గోషామహల్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతమని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సునీతారావు అన్నారు. ప్రజలకు 9 ఏళ్లుగా కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించకపోవడం దారుణమని అన్నారు. గోషామహల్లో ఇంటింటికి విస్తృత ప్రచారం చేసిన ఆమె పలు ప్రాంతాల్లో కార్యకర్తలతో కలిసి పాదయాత్ర చేశారు. కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేయాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన గ్యారంటీ హామీలను వివరిస్తూ సమర్థ పాలన కోసం కాంగ్రెస్ ను గెలిపించాలని అన్నారు. 9 ఏళ్లుగా ఇక్కడి ఎమ్మెల్యేలు విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం తప్ప చేసిందేమీ లేదని అన్నారు. ఇదే సమయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీపైనే సునీతారావు విమర్శలు గుప్పించారు. और कल के दिन कांग्रेस पार्टी के है हमें फ्री रिइंबर्समेंट लेना. कभी आप काम नहीं करना, आप अच्छे पढ़ना, ठीक है बेटा? अच्छे मन के बच्चे. हाँ, बोल दो पापा को मैडम आए पापा लाल के बिल्डिंग खड़े से मगरा. तो यहाँ से बड़े पैमाने पे महिला उम्मीदवारों से हम लोग मिलते हुए आ रहे. तो महिला उम्मीदवार एक नहीं है यहाँ पे, सारे तो महिला उम्मीदवार ही दिख रहे हमें. बड़े अच्छे खुशी की बात ये है, सब लोग भारी पैमाने पे वेलकम कर रहे और ये ही बोल रहे. हमने अभी बीआरएस वाले को भी मिले, बीआरएस के कॉरपोरेटर को भी मिल के आए. वो भी एक महिला है, अच्छी तरीके से रिसीव करके सम्मान किया था. आई वेलकम दैट. हर पार्टी के कोई सी भी पार्टी में एक महिला रहने दो, एक महिला दूसरे महिला को सम्मान दिए तो बहुत अच्छा दिखता है. वो धूलपेट में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को रिसीव करे. महिला वोट बैंक भी ज़्यादा है, हम लोग 6 गारंटीज उनके पास लेके गए और ये पैम्पलेट में हम लोग बताते हुए चल रहे सारे महिलाओं से गुजारिश है, ये अच्छी तरीके से देखिए. जो सोनिया जी ने ये आपके लिए दे रहे, ये 6 गारंटीज में 2500 हर महिला के अकाउंट में आएगी अगर कांग्रेस जीत गई तो. इसके साथ में 500 रुपये में सिलेंडर आएगी, इसके साथ साथ बस में फ्री ट्रैवल है, 200 यूनिट बिजली, 2 बुजुर्गों को पेंशन, इसके साथ साथ 10 लाख तक आरोग्य श्री, 5 लाख तक बच्चों को पढ़ने के लिए युवा विकास कार्ड है. तो ये बड़े पैमाने पे हमारे महिला बहनों से गुजारिश कर रहे ये सब स्कीम्स इम्प्लीमेंट होता क्या बोल के पूछे. हर बार यही बोलते, चुनाव के टाइम पे आते नेता मगर चले जाते फिर बाद में दिखते नहीं. तो यहाँ के एमएलए तो 9 साल उनको दिखे नहीं बोल के कह रहे. वही मैं फिर यहाँ के लोधी कम्युनिटी की होने दो, कौन से भी कम्युनिटी होने दो, सब बहना यही कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट है ही नहीं, महंगाई बढ़ गई, दाल का रेट और गैस का रेट और पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट, बेरोजगारी, महंगाई, ये कम करे तो कौन सा भी पार्टी हमारे को ये कम करके आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिए तो बराबर हम पंजे को वोट डालेंगे बोल के बोरे. पंजे से इस बार उम्मीदवार महिलाएं, महिला तो जानती घर में क्या चीज़ कम होती है क्या नहीं. पकवान में जब पकाते हुए हम लोग एक टाइम का खाना नहीं खा के हस्बैंड को खिलाते तो वैसा हर महिला एक टाइम पे खाने के लिए यहाँ पे तरस रहे बोले तो आप समझना कि महंगाई कितनी बढ़ गई. रेशन में भी 9 चीज़ हम लोग देते थे, अभी खाली चावल आ रहा है वो भी बराबर नहीं आ रहे बोल के बता रहे. तो आपसे यही गुजारिश करते, रेशन शॉप्स में 9 चीज़ मिलना और 500 में सिलेंडर होना और बेरोजगारी ख़त्म करना, महंगाई पूरे रेट्स कम हो जाना बोल के हमारे सिस्टर्स पूरे हमारे साथ में चलते हुए पूछ रहे. तो हम लोग का यही वादा करें, हम आते ही बराबर ये सब इम्प्लीमेंटेशन करते और बच्चे बेरोजगार जो है बेरोजगार का भत्ता भी मिलते. साथ साथ में हम लोग ये बात भी बोले, सरकारी नौकरियां भी 2 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर भर्ती करते बोल के फायदा करें. तो यहाँ से आगे बढ़ रही हमारी पादयात्रा. मुकाबला दोनों है, अभी यहाँ से लल्लू बिलाल भी जी ठहरे, दूसरी तरफ राजा सिंह ठहरे, मगर मेन हमारे को 100% की वो तो बीजेपी बीआरएस दोनों एक ही है. सारी बहना ये देख लेना, बीजेपी सरकार है तो 2000 रुपये तलक सिलेंडर जाएगी, 1200 रुपये तलक अभी सिलेंडर लाए बोले तो बीआरएस बीजेपी मिल के लाए, ये याद रखो बहन.
अब हर बहन को जब वोट देने के समय ये सोचना चाहिए हमको 500 में सिलेंडर होना और अपने बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ना। और यहाँ पे उम्मीदवार जो थे इससे पहले वो तो आप देखे नहीं।